Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel, पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं सर शारिक आपको एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट नंबर 3 बताऊंगा और बताऊंगा इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 सॉल्व कर लिया है और इसके आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये आपके पास पैराबोला से रिलेटेड चैप्टर टॉपिक्स हैं। तो मैंने पैराबोला की ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है, क्योंकि इस तमाम सवाल कॉन्सेप्ट पर बेस है, ठीक है। तो उसी के तहत हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना। लिखा हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर गिवन। जबकि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है और आपने इक्वेशन बनाना है पैराबोला का, ठीक है। तो मेरे पास फोकस क्या गिवन है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास जो सॉल्यूशन लिखा फोकस की जो वैल्यू है वो मेरे पास गिवन है बेटा 3.0। जबकि मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स की जो वैल्यू है, डी की जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो वैल्यूज मेरे पास गिवन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 के लिए मेरे पास क्या होता है। केस नंबर 1 के लिए बेटा डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू में क्या होता है, 1.0, ठीक है। फोकस की वैल्यू क्या होती है, 1.0। तो यहाँ पे 1 की कोई वैल्यू है, ठीक है, और 0 लग रहा है मुझे केस नंबर 1 है। लेकिन याद रखना डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमेशा क्या होती है, एक्स बराबर होता है माइनस 1 के। तो यानी जो ए होगा उसी का अपोजिट होगा। यहाँ पे जरा इसको देखते हैं। अगर मैं एक्स ले दूँ इक्वल टू 5 कर दूँ, माइनस का इक्वल टू का 5 हो जाएगा, तो 3 और 5 क्या है, एक जैसा नहीं है, बल्कि क्या है, अलग अलग है। तो डैट्स मीन कि ये तो मेरे पास केस नंबर 1 नहीं हो सकता। केस नंबर 2 के लिए क्या होता है, 0.b। तो मेरे पास यहाँ पे भी क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है वो किसके बराबर होता है, माइनस बी के बराबर होता है। मतलब जो टर्म होगा उसी का अपोजिट साइन होगा, माइनस बी। तो मतलब ये केस नंबर 2 भी नहीं हो सकता। तो अब मेरे पास केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4 है। तो बेटा ये केस नंबर 3 है, कैसे बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या होता है, केस नंबर 3 में हमेशा आपके पास एक्स वाली वैल्यू गिवन होती है, एक्स वाले टर्म को यूज़ किया जाता है, जबकि केस नंबर 4 में वाई वाले टर्म को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो केस नंबर 3 के लिए जो इक्वेशन होगा मेरे पास पैराबोला के, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो पैराबोला की जो इक्वेशन होती है ना स्टूडेंट्स, वो क्या होती है मेरे पास, वो लिख लेते हैं, क्योंकि मेरे पास इसी को सॉल्व करना है। तो केस नंबर 2 के लिए मेरे पास क्या होगा, केस नंबर 3 के लिए वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax - h। तो दिस इज योर इक्वेशन। तो मुझे इसको सॉल्व करना है, इसको मैंने नाम दे दिया, क्योंकि मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है। y की वैल्यू, x की वैल्यू, h की वैल्यू और a की वैल्यू निकालना है। तो बेटा सबसे पहले याद रखना, केस नंबर 3 के लिए फोकस जो होता है वो क्या होता है मेरे पास, फोकस होता है h प्लस a। क्या होता है मेरे पास, h प्लस a, और कॉमा क्या हो जाता है, k। जबकि यहाँ पे फोकस क्या गिवन है वो भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे फोकस जो इसके इक्वल है वो क्या है, 3.0 के, ठीक है। तो ज़रा गौर से देखो, इसको इसके बराबर ले सकता हूँ, तो h प्लस a किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। जबकि मेरे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अभी तक h की वैल्यू कंप्लीट निकली, h और a तो इसके अंदर मौजूद है, h और a की वैल्यू फाइंड आउट अभी हमें क्या करना है, करना है। तो याद रखना डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है ना बेटा पैराबोला की, वो क्या होती है, इसका मैं लिख देता हूँ। जो मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है वो मेरे पास क्या होता है, वो लिखते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो मेरे पास होती है लाइक इस तरह से, कि x बराबर होता है किसके, h माइनस 1 के। तो बेटा x की वैल्यू क्या मुझे मालूम है, जी बिल्कुल मालूम है, x की वैल्यू क्या है, 5। तो क्या लिख दूंगा, 5 बराबर है किसके, h माइनस 1 के। तो मैंने क्या लिख दिया, h माइनस 1। अब देखो मैं इसमें से ना a की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, कि अगर मैं बोल दूँ कि h बराबर है, बल्कि h की जगह पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 3 - a। तो मेरे पास a की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, सॉरी h की वैल्यू निकल जाएगी। तो h की वैल्यू की जगह क्या लिखूंगा, 3 - a, तो 3 - a हो गया, ठीक है, और ये माइनस का क्या हो गया, a, ठीक है। तो ये 5 है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 2a हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, तो मेरे पास 2 बचेगा, और माइनस का a कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, ठीक है। तो ये तो हमने सॉल्व करके दिखा दिया a के लिए, कि मेरे पास a की वैल्यू क्या आई है, -1, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना होगा, जब a की वैल्यू निकल जाएगी तो अब मुझे किसके निकालना है बेटा, h की वैल्यू निकालना है। तो a की जगह अगर मैं -1 पुट कर दूं, तो मेरे पास h खुद बखुद ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अगर h निकालना है तो क्या हो जाएगा, h की वैल्यू क्या होती है बेटा, कहाँ लिखा हुआ था मैंने, ये रहा। तो h बराबर है किसके, 3 - a, तो 3 - -1, तो h की वैल्यू क्या आ गई, -1 + 4, तो 3 + 1 क्या होता है, 4। तो मेरे पास ये तीनों वैल्यूज निकल गई। अब इक्वेशन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है बेटा। इक्वेशन मेरे पास क्या है, ये वाली इक्वेशन है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। मैं यहीं पर पुट कर रहा हूँ,
क्योंकि मेरे पास ये इक्वेशन है, तो y की जगह क्या आ जाएगा बेटा, y रहेगा, k की जगह क्या आ जाएगा, k की जगह 0 आ जाएगा, क्योंकि k की वैल्यू क्या है मेरे पास 0 है। स्क्वायर फिर इसके बाद लिखा बेटा 4 है, तो 4 लिखा, a की जगह क्या आ जाएगा माइनस 1, x की जगह x लिखूंगा, माइनस का h की जगह क्या लिख दूंगा 4 लिख दूंगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास y का स्क्वायर, तो सिर्फ यहाँ पे y का स्क्वायर ही बचेगा, 4 माइनस 1 से तो माइनस का 4 हो जाएगा, और ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा मेरे पास 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं 16 लिख दूंगा। अदरवाइज अगर इसको इक्वल टू के बाद ले आओ तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इक्वेशन बन गया। मैं एक दफ़ा बुक में भी देख लेता हूँ कि मेरे पास इक्वेशन यही बनकर आ रही है क्या, फिर कोई दूसरी इक्वेशन बनकर आ रही है। तो हमने बिल्कुल करेक्ट वे में ये वाला इक्वेशन सॉल्व आउट कर लिया। चलो आज इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 जो है मेरे पास वो भी लिख लेता हूँ। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर मेरे पास जो सवाल गिवन है वो मेरे पास है, क्योंकि बुक मेरे पास सामने ही खुला हुआ है। फोकस जो है आपके पास वो गिवन है बेटा 0.4, जबकि आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है वो आपके पास गिवन है y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यूज क्या है गिवन है। अब देख के ही समझ में आ रहा होगा ना, तो ये केस 1 हो सकता है क्योंकि दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही, नहीं तो केस नंबर 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि y लिखा हुआ, तो जाहिर सी बात है केस नंबर 4 है। तो हम केस नंबर 4 को करेंगे। ठीक है, ये 4 है। ठीक है, तो ये मेरे पास केस नंबर 4 मुझे क्या बता रहा है, याद रखना केस नंबर 4 का जो फोकस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, h, k + b। तो ये मैंने टर्म आपको लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। उसके बाद क्या करना होगा, इसके आगे चलना होगा। फोकस किसके बराबर है, 0.4 के बराबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 0.4। ठीक है, तो जिस तरह से लिखा हुआ होता है उस तरह से हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशंस होती है हमारे पास वो क्या होती है, वो भी लिख लेते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है, जैसे लास्ट टाइम हमने लिखा था, क्या लिखा था लास्ट टाइम हमने यहाँ पे लिखा था कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है एक्स माइनस, आपको भी दिखा देता हूँ मैं, क्या होती है एक्स माइनस एक्स इक्वल टू एच माइनस ए। तो वहाँ क्या हो जाएगा, वाई बराबर है के माइनस बी। ठीक है, तो बस यही होगा, उसके अलावा कोई और चेंजेस नहीं होते। ठीक है, तो याद रखना कि मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कि y बराबर होता है किसके, के माइनस बी के। ठीक है, बस अब पॉजिटिव हो जाता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो ये मैंने आपके सामने शो कर दिया और ये वाली वैल्यू भी कर दिया। ठीक है, अब इसमें से वैल्यू निकालना है, तो याद रखना एच बराबर हो जाएगा इसमें इस दफ़ा 0, जबकि बेटा के प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा 4 के। तो लिख दूंगा के प्लस बी बराबर हो गया 4 के। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। अब ज़रा गौर से देखो, y की अगर वैल्यू निकालना है तो y मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 6 के। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ बेटा, माइनस का 6 के माइनस बी। ठीक है, अब मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर मुझे k की वैल्यू निकालना है या b की वैल्यू निकालना है तो इसको उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 4 माइनस k के। ठीक है, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा, k। तो अब b की जगह पुट कर दो, तो माइनस का 6, k वैसे ही लिखा, माइनस का अब ये जो वैल्यू आई उसको लिख दें, माइनस का 4 माइनस का k। ठीक है, अब इसको लिखते हैं माइनस का 6 k माइनस का 4 प्लस का क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो माइनस का 6 से यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और k, 6 में से 4 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा, माइनस का 2 और यहाँ पे क्या बचेगा 2k, दोनों कैंसिल आउट होगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस दफ़ा मेरे पास माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या निकाल दिया बेटा, k भी निकल गया, h 0 आ गया। ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकालना है, मुझे b की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, b की। तो बेटा अगर मैं k की जगह k की वैल्यू पुट कर दूं तो b खुद ब खुद ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर लिख देता हूं कि b के लिए क्या करूंगा, 4 लिखा हुआ माइनस और k की वैल्यू क्या, माइनस का 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस तो 5। तो तीनों वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, यहाँ पे फाइंड आउट होकर के आ गई। अब क्या करना होगा, इक्वेशन में पुट कर देना होगा। तो ये तमाम वैल्यूज़ को हम क्या पुट करेंगे, इक्वेशन के अंदर। तो याद रखना पैराबोला की जो इक्वेशन होती है केस नंबर 4 की, तो पैराबोला मैंने यहाँ पे लिख दिया, केस नंबर 4 जो इक्वेशन है वो मेरे पास किसके बराबर होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है उसी के, एक्स माइनस एच, पहले क्या था वाई माइनस के, तो यहाँ पे एक्स माइनस एच हो गया, का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, 4b, और यहाँ पे क्या हो जाता है, वाई माइनस के, ये इक्वेशन है। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स हो जाएगा माइनस एच की जगह क्या आ जाएगा, 0 का होल स्क्वायर, 4 की जगह b की जगह क्या आ जाएगा, 5, मल्टीप्लाई होगा y
माइनस के की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। तो ये आइटम मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। तो ये तो एक्स का स्क्वायर ही रहेगा, 4 5 का कितना हो जाता है 20 हो जाता है, वाई प्लस का क्या हो जाएगा 1, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 20 वाई और प्लस के 20 के। तो ये मेरे पास क्या हो गया आंसर आ गया, इसको इधर ले आओ। तो एक्स का स्क्वायर माइनस का 20 वाई और माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इक्वेशन आ गई। अगर इसको आपको स्क्रीन शॉट लेना है तो आप इस तरह से स्क्रीन शॉट भी क्या कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से यहाँ पे लिख दिया है, आपको अगर दिख रहा होगा। तो पार्ट नंबर 2 जो है मेरे पास इस तरीके से सॉल्व हुआ है, और मैं देख भी लेता हूँ कि मेरा जो आंसर आया वो करेक्ट आया है कि नहीं आया। तो मेरा जो आंसर है वो बिल्कुल क्या आया है हमारे पास, करेक्ट आया है। अब इसका लास्ट पार्ट है, उसको भी क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो लास्ट पार्ट जो है मेरे पास वो क्या है उसको, अब हमारे पास कौन सा आ गया क्वेश्चन, पार्ट नंबर 4 आ गया, पार्ट नंबर 3 आ गया है। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसमें ना मेरे पास कोई जीरो और वो नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है से वाई। तो वाई हमेशा किस में होता है बेटा, केस नंबर 4 के अंदर होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास केस नंबर 4 आ गया। तो केस नंबर 4 का जो फोकस होता है वो क्या होता है मेरे पास, आपको ही पता है कि एच बराबर होता है के प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे फोकस की वैल्यू क्या है, माइनस 4.3, तो ये लिख दिया। तो ये एच माइनस 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मेरे पास k प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। अगर मैं इसमें से k अलग कर दूं तो 3 माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तो हमने इसको लिख कर दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखना होगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होता है इसका, आपको अभी थोड़ी देर पहले इससे पहले वाले सवाल को सॉल्व करवाया था, वो क्या होता है, y बराबर होता है मेरे पास क्या, k माइनस बी, ठीक है। तो k माइनस बी के बराबर होता है, जबकि y की वैल्यू क्या गिवन है, 6। तो 6 लिख देता हूँ इक्वल टू, यहाँ से मैंने k की वैल्यू निकाला हुआ, तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस बी और माइनस का बी, ठीक है। 3 माइनस बी इसकी जगह लिख दिया और माइनस का बी, तो 6 प्लस का बी यहाँ पर आके माइनस का 3 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, माइनस का बी माइनस का बी माइनस का 2b, ठीक है। तो 6 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बराबर है माइनस के 2b के। इसको नीचे ले जाओ तो b की वैल्यू जो आ जाएगी माइनस का 3 अपॉन 2, ठीक है। तो ये b की वैल्यू मैंने क्या कर दिया, आपके सामने निकाल के दिखा दिया, ये जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद जब b निकल जाएगा तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो k की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ k बराबर है किसके, 3 माइनस, क्योंकि ये MCQs में आएगा, उसके अलावा किसी में नहीं आने वाला। तो तभी मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट आपको रफली सॉल्व करवा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3 का कितना होता है 6, 6 प्लस 3 कितना होता है 9, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 9/2। तो k की वैल्यू भी निकल गई, h की वैल्यू भी निकल गई, और ये भी निकल गई। जो मेरे पास इक्वेशन होता है पैराबोला का वो लिख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो पैराबोला की जो मेरे पास इक्वेशन होती है वो क्या होती है वो लिख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने इसको सॉल्व किया था और हमने अभी इक्वेशन को बनाया भी था। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, याद रखना x माइनस h का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, 4b y माइनस के, ठीक है। तो याद रखना x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू मेरे पास तो नहीं लिखना होता, लेकिन h की वैल्यू लिखना होता। तो h की वैल्यू क्या है, माइनस का 4 है आई थिंक सो। तो माइनस का 4 माइनस माइनस का निशान है तो प्लस का 4 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 लिखूंगा। b की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की जगह y, और k की जगह क्या आ जाएगा, 9/2, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया 2 1 2 2 2 4। इसमें फार्मूला में ओपन कर दो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला इसमें क्या होगा लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2 4 8x, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा, माइनस का 3/2, तो 3 2 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 6 लिख देता हूँ और इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। 2y माइनस का 9, और नीचे क्या आ जाएगा 2, तो 2 1 2 2 3 6। आगे और सॉल्व कर लेते हैं, x का स्क्वायर 8x प्लस का 16 माइनस का 3 है और प्लस का 2, 3 2 क्या हो जाएगा 6y, तो 3 2 6y, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 9 मेरे पास क्या होता है, क्योंकि मुझे इसको सॉल्व करना है, तो 27, तो प्लस का क्या आ जाएगा मेरे पास 27। इन सबको इक्वल टू के बाद ले आओ तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस का, तो यहाँ पे प्लस का 6y हो जाएगा, प्लस का 16 है माइनस का 27 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को माइनस कर लो और देख लो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो इसको जब माइनस करूँगा तो 1, और यहाँ से 6 तो 1 बचेगा 11। तो x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 6y यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 11। तो दिस इज़ योर आंसर। तो हमने देखो इतना आसान तरीके से इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। अब इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। अब चले चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व, 7 को सॉल्व करने।
अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया और क्वेश्चन नंबर 7 इतना ही आसान है और ये एमसीक्यूज बेस के ऊपर है, ठीक है। इससे पहले भी हमने एमसीक्यूज बेस ही को देखा है लेकिन अभी थोड़ा सा और इजी से। वर्टेक्स 0,0 तो याद रखना है, ये तो या तो केस नंबर 1 में होगा या तो केस नंबर 2 में होगा, ठीक है। अब मुझे पता कैसे चलेगा केस नंबर 1 है या फिर केस नंबर 2 है, तो याद रखना है ये अगर एक्स लिखा हुआ तो केस नंबर 1 है, अगर वाई लिखा हुआ तो केस नंबर 2 है। तो याद रखना, पहले पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं, सोल्यूशन लिखता हूँ। वर्टेक्स की वैल्यू क्या है 0,0, जबकि डायरेक्ट्रिक्स की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है बेटा, x की वैल्यू -6 है। याद रख लेना इसकी जो इक्वेशन होती है ना वो क्या होती है, इक्वेशन होती है y का स्क्वायर बराबर होता है 4ax, ठीक है। तो मुझे a की वैल्यू निकालना है सिर्फ और सिर्फ, और किसी चीज़ की वैल्यू नहीं निकालना। तो याद रखना जो मेरे पास यहाँ पर फोकस में जो वैल्यू लिखी हुई होती है, क्या बताया था, लाइक मेरे पास अगर 6,0 है तो वही चीज़ क्या होता है मेरे पास यहाँ पे -6 होता है। मतलब ये जो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की जो वैल्यू होती है ना वो एक्स बराबर होता है -1 है, तो यहाँ पे माइनस का 6 है, ठीक है। तो मेरे पास कहने का मकसद क्या हो जाएगा कि एक्स की जो वैल्यू है ना वो पुट कर दो। तो एक्स की वैल्यू अगर पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, -6 -8, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, इसमें पुट कर दो तो वाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 × 6 और एक्स, तो 4×6 का कितना होता है 24, तो वाई का स्क्वायर क्या आ जाएगा 24x। तो यही मेरा सिर्फ और सिर्फ आंसर था इसका, ठीक है। सेकंड में देख लो, वाई लिखा हुआ है तो दैट्स मीन ये मेरे पास केस नंबर कौन सा होगा, 2 होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि केस नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू मतलब वर्टेक्स की वैल्यू 0,0, जबकि डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू क्या है, वाई बराबर है 5 के। तो हमें मालूम है कि फोकस जो होता है वो क्या होता है 0,b, ठीक है। और ये जो असल में डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, वाई बराबर होता है -b के, ठीक है। तो ये वाई की जगह मैं 5 पुट कर दूंगा तो 5 हो जाएगा -b, दैट्स मीन के बी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -5 आ गई, ठीक है। इसकी जो इक्वेशन होती है वो लिख लेते हैं, तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बराबर होता है by के, ठीक है। एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है मेरे पास, by के। तो मैं क्या लिखूंगा, बी और वाई लिख दूंगा, तो यहाँ पे 4b लिखूंगा, ठीक है, 4by। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर 4b की वैल्यू क्या हो गया -5 और y, तो x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4×5=20, तो माइनस का 20 और y, इसको अगर इक्वल टू के बाद लेके भी जाओगे तो भी आंसर सही है, ऐसे भी लिख दोगे तो भी आंसर सही है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, 3,4 और डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, 4 है। तो अब जरा इसको देख कर बताओ ये कौन से वाले केस से क्या होगा लगेगा, ठीक है। इक्वेशन x की है, जब भी इक्वेशन x की होती है या तो वो केस नंबर 1 होता है या तो केस नंबर 3 होता है, तो ये केस नंबर 3 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3,4 है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास जो वर्टेक्स की वैल्यू दी हुई है वो 3,4 दिया हुआ है, जबकि मेरे पास जो x की वैल्यू गिवन है ना वो मेरे पास क्या गिवन है वो मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना, तो x बराबर है 5 के, ठीक है। तो x बराबर है किसके, 5 के। तो आपको पता होगा वर्टेक्स जो होता है वो क्या होता है, h,k होता है, अगर केस नंबर क्या पढ़ रहे हो, 3 पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि वर्टेक्स की वैल्यू मतलब 3,4 गिवन है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और k की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ठीक है। जब h की वैल्यू और k की वैल्यू निकल जाती है तो हमें डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू निकालना होता है, क्योंकि ये x का स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, याद रखना डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है बेटा x बराबर होता है h − 1 है, ठीक है। तो बेटा x की वैल्यू क्या है 5, तो 5 बराबर होता है h − 1 है, तो 5 लिखूंगा, एच की वैल्यू क्या है बेटा 3 − 1 उठा के ले जाओ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो -a, तो क्या बच रहा है बेटा 2, तो a की वैल्यू क्या होगी माइनस हो जाएगा तो -2 बच रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो बना लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन याद रखना, इक्वेशन बनाने के लिए y − k का होल स्क्वायर बराबर होता है 4a, ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास x − h, तो x − h लिख दिया। y की वैल्यू क्या है हमें तो नहीं लिखना था, k की वैल्यू क्या है बेटा, k की वैल्यू 4 है, तो मैंने 4 लिख दिया। इसका होल स्क्वायर बराबर है 4, a की वैल्यू -2, x की वैल्यू माइनस और h की वैल्यू क्या है बेटा 4 है, तो क्या लिख दूंगा मैं, सॉरी h की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो मैं क्या लिख दूंगा 3 लिख दूंगा, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला में खोल दो, y का स्क्वायर −2 × 4 = 8 y, ठीक है, ये तो 8y हो गया, और प्लस का क्या हो जाएगा 16, 4×2 = क्या होता है -8
और x माइनस थ्री, ठीक है, इसको और मजे सॉल्व कर लेते हैं। तो y का स्क्वायर माइनस एट वाई प्लस का 16, माइनस का 8x और माइनस का, क्योंकि 3 8 का क्या होता है मेरे पास 24 होता है, तो मैंने क्या लिख दिया 24 लिख दिया। इसको उठा के इधर ले आओ, तो y का स्क्वायर माइनस एट वाई माइनस का तो प्लस का 8x हो जाएगा, प्लस का 16 और प्लस का 24 इक्वल टू जीरो, तो सॉरी ये माइनस माइनस प्लस का 24 हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का, तो इसको माइनस कर दो। वाई का स्क्वायर माइनस एट वाई प्लस का 8x, ठीक है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 8 इक्वल टू जीरो। तो यही मेरी इक्वेशन है, और हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी देखो कितने जल्दी से और आसान तरीके से सॉल्व कर लिया।